तो अब हम देखेंगे आइंस्टाइन पॉस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी जिसमें हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है ठीक है सो so, यानी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन ठीक है तो चलिए स्टार्ट करेंगे काफ़ी थेरोटिकल पार्ट है तो इसको स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ जो कि आपको ऑलरेडी लर्न है आपने पढ़ा है फोटोन एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम कानीटिक एनर्जी ठीक है बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वर्क फंक्शन का ही सिंबल होता है फाइ नॉट ये क्या है बच्चों ये है फोटोन एनर्जी ठीक है ये लाइट की एनर्जी लाइट के कई नाम हैं फोटोन क्वांटा है ना रेडिएशन ओके सो फोटोन एनर्जी फोटोन या तो लाइट एनर्जी ठीक है बच्चों ओके okay. तो so, आपको पता है फोटो एनर्जी क्या होता है बच्चों एच न्यू और आपको पता है वर्क फंक्शन क्या होता है एच न्यू नॉट कनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ एम वी मैक्स ठीक है एच न्यू अब न्यू की जगह पे क्या आएगा न्यू विद फ्रीक्वेंसी सो न्यू की जगह पे आ जाएगा सी अपॉन लैमडा ठीक है न्यू नॉट की जगह पे क्या आएगा बच्चों सी अपॉन लैमडा नॉट ओके okay, डन साथ ही साथ कानेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूले पता है हमको कानेटिक एनर्जी क्या होता है ई वी और ये वी क्या है पोटेंशियल है हम वी नॉट लगा देंगे तो उसका नाम हो जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल या तो कट ऑफ पोटेंशियल सो ये सभी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी इस चैप्टर से डेफिनेशन एक एक मार्क की आपके पेपर में आती है सो so, आपको ये सभी चीज़ें लर्न हो गई होगी कानटिक एनर्जी तो पता है ये है आपका वर्क फंक्शन जो कि आपको लर्न रखना है सो so, बच्चों होता क्या था ये अगर एक मेटल है ठीक है ये अगर एक मेटल है सो so इस मेटल पे क्या गिरती थी बच्चों लाइट गिरती थी या तो फोटोन गिरते थे तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है अब होता क्या है फ़ोटोन एनर्जी यहाँ पे है ये फोटोन एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करेगी इलेक्ट्रॉन और ये फोटोन एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद अब इनके पास एनर्जी आ चुके हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे जंप करेंगे बाहर की तरफ ठीक है बच्चों सो so, इस तरीके से आप चीज़ों को ध्यान में रख सकते हो ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कुछ आगे का पार्ट ओके सो so, आपको अगर फॉर्मूले याद है तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी सो नंबर वन पॉइंट आइंस्टाइन आर आर्ग्यूड दैट द वेन अ फोटोन अल्ट्रा रेडिएशन सो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जब कभी लाइट ठीक है जब कभी लाइट आती है मेटल सरफेस पे और किससे कोलाइड होती है इलेक्ट्रॉन से एनर्जी एच न्यू टू द इलेक्ट्रॉन यानी बोलने का मतलब क्या है इस पार्ट का बोलने का मतलब ये है कि इस मेटल पर जब इलेक्ट्र फोटोन गिरेगा ठीक है फोटोन यहां पे क्या हुआ इलेक्ट्रॉन पर गिरा सो so, ये फोटोन की एनर्जी पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन क्या करता है एबजॉर्ब कर लेता है यानी कि फोटोन मेटल पे गिरा और मेटल के अंदर के इलेक्ट्रॉन ने क्या किया सारे फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले ठीक है सो इट ड्यूज ऑल ऑफ इट्स एनर्जी एच न्यू दैट इज फोटोन एनर्जी एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन ठीक है द एनर्जी इज गेन बाय द इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन नो लॉन्गर एग्जिस्ट यानी अब एनर्जी किसके पास है इलेक्ट्रॉन के पास है, है? यानी इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी एब्जॉर्ब किया फोटोन से और बाहर की तरफ निकला इफ एनर्जी गेन बाइ द इलेक्ट्रॉन इज मोर इक्वल टू वर्क फंक्शन दैट इज दिसको पता चल गया है क्या क्या पता चल गया है फोटो एनर्जी क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा या तो इक्वल होना चाहिए किस से वर्क फंक्शन से ठीक है बच्चो यानी हमें याद रखना है कि फोटोन एनर्जी हमेशा क्या होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए आप ऐसे याद रख सकते हो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं ठीक है यानी कुल मिला के अगर हम देखें सो ये कंडीशन हमें याद होना चाहिए और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं फिर से एक बार बता देता हूं अब फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा सो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड और अगर फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इट शोज क्या शो करेगा बच्चों इट शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सो ये न्यूमेरिकल के लिए भी काम आएगा सो so, मैं इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझता हूँ और आप इसको याद रख लेंगे तो so, ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले साल ही इसका न्यूमेरिकल आया था तो so, ये कंडीशन थी आपको ध्यान में रखना ये कंडीशन क्या बोलता है इट शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेन फोटोन एनर्जी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वर्क फंक्शन यानी कि इलेक्ट्रॉन इमेटेड ठीक है सो दस मिनिमम और थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट इज रिक्वायर्ड टू इजिक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इसी को हम क्या बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सो ये डेफिनेशन है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की आपने ऑलरेडी लर्न की है तो ये आपके लिए आसान रहेगा अगर ठीक है ये कंडीशन है सो so, यहां से क्या होगा फोटो uh, क्या बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन नॉट इमिटेड ये जो कंडीशन अभी चालू होने वाली है इसके लिए हम क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉन नॉट इमिटेड और डज नॉट शो नॉट शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ड नॉट शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो क्या कंडीशन है शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंडीशन क्या है शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन इमिटेड इलेक्ट्रॉन इमिटेड सो कब होगा इलेक्ट्रॉन इमिटेड जब फोटोन एनर्जी ज्यादा होगी यानी फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ठीक है इसके कंडीशन क्या हो जाएगी यहाँ पे उल्टी कंडीशन तो ये कंडीशन हम पढ़ने जा रहे हैं सो इफ न्यू नॉट सॉरी इफ न्यू इज लेस दैन न्यू नॉट या फिर न्यू नॉट इज ग्रेटर दैन न्यू यानी मटेरियल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है द फोटोन विल नॉट हैट एन इलेक्ट्रॉन ठीक है आपको समझ गया सो इट डज नॉट शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ठीक है यह पॉइंट आएगा इस ब्रैकेट के लिए एज ए रिजल्ट नो इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड हाउ यूर इंटेंस द इंटेंसिटी सॉरी हाउ यूर इंटेंस द इंसिडेंट रेडिएशन इज ठीक है यानी अगर आप इंटेंसिटी भी बढ़ा दो तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा सो so, हमारे बोलने का मतलब ये है कि अच्छा एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं सिमिलरली इफ न्यू नॉट इज़ ग्रेट इफ़ न्यू इज़ ग्रेटर देन न्यू नॉट यानी फोटोन एनर्जी ज़्यादा है द एनर्जी विल ऑलवेज बी सफिशेंट टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन हाउ एवर स्मॉल इंसिडेंट स्मॉल इंटेंसिटी इज ठीक है तो बोलने का मतलब ये है कि क्या बोलने का मतलब है अगर फोटोन एनर्जी ज़्यादा है तो किससे ज्यादा है या तो इक्वल है किससे वर्क फंक्शन से तो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड या तो इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम मेटल एंड इट शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इट शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो ये पूरे पैराग्राफ का मतलब बच्चों यही था सो कुल मिला के पैराग्राफ था तो, तो फोटोन एनर्जी एब्सॉर्ब किसने किया इलेक्ट्रॉन ने और वो बाहर की तरफ निकल गया पॉइंट नंबर टू एनर्जी इज गिवन बाय द फोटोन ठीक है एनर्जी इज गिवन बाय द फोटोन टू द इलेक्ट्रॉन एज सुन एज द रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑन द सर्फेस द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन ठीक है सो so, यहाँ पे होता क्या है बच्चों यहाँ पे क्या होता है बच्चों ठीक है आपको पता है यहां पर क्या होता है यहां पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्सॉर्व करता है ठीक है इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है किसकी फोटोन की तब जाके वो बाहर निकलता है तो यही पॉइंट बोलना चाहता है कुल इंसिडेंस ऑफ लाइट एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पिछला पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है थोड़ा सा देख लेंगे द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन इज इंस्टेंटेनियस याद रखिएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये क्यूज है बच्चों, ये एमसी क्यूज है मैं इसको रेड से लिख देता हूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस इंस्टेंटेनियस मतलब जो बहुत ही कुछ सेकेंड मिले मिली सेकेंड मतलब विदिन अ सेकेंड बहुत जल्दी होने वाली चीज जिसमें टाइम कैसा होता है इंस्टेंटेनियस मतलब वेयर डेल्टी टेंस टू जीरो मतलब कि टाइम क्या हो जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन सेकेंड मतलब इतने कम समय में वो प्रोसेस होती है सो ये एम सी क्यूज है बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टाटेनियस प्रोसेस और कभी कभी आपको ऐसा भी आता है केमिस्ट्री के जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं सो रेडिएशन रेडिएशन के बारे में रेडिएशन इज एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं आपको रेडिएशन इज पॉइंटेनियस प्रोसेस ठीक है सो इस तरीके से आप ध्यान में रखेंगे कन्फ्यूज़ नहीं होंगे ओके okay बच्चों चलिए आगे बढ़ेंगे देर इज नो टाइम लैग क्यों टाइम क्योंकि ये प्रोसेस क्या है बहुत जल्दी होती है विदिन माइक्रो सेकंड बहुत जल्द होती है दैट इज अंस्टेंटेनियस प्रोसेस देर फोर देर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ लाइट एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तुरंत लाइट आई तुरंत लाइट आई इलेक्ट्रॉन निकल गया ठीक है सो so, जैसे लाइट गिरती है तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलता है ऑल्सो वेन द इंसिडेंट रेडिएशन स्टॉप देयर आर नो फोटॉन ठीक है जैसे लाइट नो लाइट ठीक है यह हम इसकी बात कर रहे हैं

नो 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 फोटोन या तो no light, तो लाइट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर फोटोन ही नहीं आएगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा ठीक है बच्चों बात आपको आई होप कि क्लियर हो गई है so, ये बहुत ही आसान था समझने में ठीक है तो चलिए इसको आगे बढ़ाया जाए ओके बच्चों चलिए ठीक है सो पॉइंट नंबर थ्री क्या पॉइंट नंबर थ्री बोल रहा है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन प्रोपोर्शन सॉरी प्रोपोजिशन इफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर अ गिवन वेवलेंथ इज इंक्रीज ठीक है थोड़ा थुड़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमको पता है कि सॉरी लैमडा और फ्रीक्वेंसी आपस में इनवर्सली है ठीक है सो यहाँ पे क्या बोला गया लैमडा को बढ़ाएंगे वेवलेंथ को बढ़ाएंगे ठीक है सो यहाँ से आप पॉइंट को एक बार ध्यान देंगे सो ओके इसको मैं मिटा देता हूँ पहले जो करेक्ट है वो बता देता हूँ या ऐसा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या तो इलेक्ट्रॉन इमिटेड लिख दिया आपके लिए और इसका उल्टा क्या होगा अगर ऐसा रहेगा तो भी ये प्रोसेस होगी इफ द इंटेसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर इंक्रीज ठीक है यानी क्या बढ़ रहा है लाइट बढ़ रही है नंबर ऑफ फोटो इंक्रीजेस यहां पर मतलब मैं इसको लिख देता हूं नंबर ऑफ फोटो इंक्रीजेस नंबर ऑफ फोटो पर सेकेंड इंक्रीज एक फॉर्मुला मैंने आपको बताया था इक्वल टू एन एच न्यू ये तो एन क्या था नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड फोटॉन्स पर सेकेंड ठीक है ओके बच्चों सो मैं इसको क्लियर कर देता हूं इसकी जरूरत अभी फिलहाल नहीं है मैं आपको फॉर्मुला दे चुका हूं ऑलरेडी मैं फिर भी एक बार फॉर्मूला दूंगा जब न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करेंगे सो so, चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सो देयर विल बी एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एनर्जी कौन इंसिडेंट ऑन यूनिट एरिया ठीक है इंसिडेंट ऑन यूनिट एरिया इन द यूनिट टाइम बोले तो क्या क्या हो रहा है क्या बढ़ क्या रहा है गया बढ़ रहा है ना ठीक है क्या हो रहा है इंटेंसिटी ऑफ एंसेंट रेडिएशन फॉर अ गिवन फॉरिटी इंक्रीज यानी कि क्या एक सपोज ब्लू कलर की लाइट है और उसके लिए हमने क्या किया फोटोन को बढ़ा दिया ठीक है तो उस पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा से ज्यादा फोटोन आ रहे हैं ठीक है ठीके? उस पर्टिकुलर एरिया में अभी क्या हो रहा है ज्यादा से ज्यादा फोटोन आ रहे हैं द एनर्जी ऑफ इच क्वांटम टर्म बींग इज द सेम एनर्जी ऑफ इच क्वांटम इज द सेम दिन हर फोटोन की एनर्जी क्या है सेम है है कितनी एच एच न्यू या तो सी बाय बोले तो ई ई कैपिटल लार्जर इंटेंसिटी रेडिएशन विल नॉक ऑफ मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एंड हेंस करंट विल बी लार्जर इफ न्यू इज ग्रेटर दैन न्यू नॉट ओके सो यहां तक मैं आपको बता देता हूं इनका बोलने का मतलब क्या है पूरा कंप्लीट इनका बोलने का मतलब क्या है ज्यादा लाइट ज्यादा लाइट ज्यादा करंट फोटो इलेक्ट्रिक करंट ठीक है ज्यादा करंट कौन सा करंट फोटोकरंट क्यू ड्यू टू क्या इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू लार्ज इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन लार्ज नंबर ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जितनी ज्यादा लाइट मेटल पे गिरेगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मेटल से निकलेंगे ठीक है सिंपल सी बात है अगर ज्यादा लाइट मेटल पे गिरी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन मेटल से निकलेंगे सिंपल सी बात यहां पे आपको कवर हो गई कन्वर्सली लोअर इंटेंसिटी इंप्लाइज लेस नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन ऑन लेस नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन एंड एयर फोर लोअर करंट सिंपल सी बात है इसका क्या है उल्टा है अपोजिट है ये पॉइंट पूरा क्या है कन्वर्स है इसका तो कम लाइट इसको मिटा दिया जाए ग्रीन कलर से देखते हैं कम लाइट कम लाइट अच्छा इसको मैं इंग्लिश में लिखता हूं लो लाइट सो लेस लो लाइट देन लो अगर कम लाइट है लो लाइट देन लेस इलेक्ट्रॉन इमिटेड या तो लो फोटोकरंट फॉर्म ठीक है लो फोटोकरंट इज फॉर्म ओके सो जितनी ज्यादा लाइट उतना ज्यादा करंट उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले ओके okay, बच्चों चले आगे बढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट देखेंगे वंस द इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड फ्रॉम द सर्फेस इफ द कलेक्टर इज एट अ हायर पोटेंशियल ठीक है अगर कलेक्टर का पोटेंशियल क्या है ज्यादा है दैन द इमिटर प्लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन टूअर्ड द कलेक्टर यानी कि हम क्या बोल रहे हैं कलेक्टर यानी क्या एनोड एनोड का क्या है पोटेंशियल ज्यादा है सो so, एनोड का अगर पोटेंशियल ज्यादा है तो ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करे कलेक्ट करेगा उसके पास क्या है ज्यादा ज्यादा प्लस है तो ये क्या है हायर पोटेंशियल है हायर पोटेंशियल है अगर कलेक्टर हायर पोटेंशियल रहेगा तो ज्यादा माइनस कलेक्ट करेगा बोले तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करेगा हायर इज द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल मोर विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग द कलेक्टर यानी जितना ज्यादा उसका क्या रहेगा पोटेंशियल रहेगा उतना ज्यादा वो माइनस को कलेक्ट करेगा बोले तो इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करेगा तो ये बात यहां पे क्लियर हो गई ओके okay? हेंस फोटो इलेक्ट्रिक करंट आई द विदिंग पोटेंशियल इनिशियली तो इससे समझ में आ गया आपको हायर पोटेंशियल है हायर इलेक्ट्रॉन कलेक्टेड कलेक्टेड बाय कलेक्टर देन लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो आई इंक्रीजेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस मोर ओवर ठीक है मोर ओवर सिंस द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन डिटरमाइंस द नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट ठीक है जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतना ज्यादा फोटॉन्स आएगा ठीक है सो इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटोन भी क्या होगा अपने आप बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा जितनी ज्यादा लाइट मेटल पे गिरेगी, जितनी ज्यादा लाइट मेटल पे गिरेगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा ठीक है गिवन इंटेंसिटी इंक्रीज इज द एक्सलेटिंग पोटेंशियल इंक्रीज इज द टिल द नॉकट ऑफ इलेक्ट्रॉन द कलेक्टर सो सिंपल सी बात मैंने ऑलरेडी आपको एक एम के जरिए बताई थी अगर आप उसको देखना चाहे तो आप देख सकते हो यहाँ से इन पॉइंट से हमने इसको कवर किया था तो इन पॉइंट से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और ये पॉइंट से भी आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा तो यहाँ से ये यह सब चीज़ें आपको कवर हो जाएगी आप ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर को पढ़ेंगे सॉरी प्रीवियस लेक्चर्स को पढ़ेंगे चलिए आगे बढ़ जाएंगे अभी हम जो पढ़ रहे थे उसको देख लेते हैं ठीक है थीके सो नो इंक्रीज कैन बी सीन इन द करंट बियॉन्ड दिस लिमिट उसी लिमिट को क्या बोलेंगे सैचुरेशन करंट इज आई नॉट जो कि मैंने आपको ग्राफ से बताया था ठीक है एक लिमिट होती है जैसे कि पे आपने क्या किया है छे प्लस किया है ठीक है तो छ इलेक्ट्रॉन आएंगे और छह एम्पियर बनेगा ऐसा ध्यान में रखेंगे इंक्रीजिंग द इंसिडेंट इंटेंसिटी विल इंक्रीज द नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटो एंड इवेंचुअली द सेचुरेशन करंट सो ये प्रीवियस ग्राफ में हमने देखा था उस ग्राफ को आप रेफर करेंगे सो पॉइंट नंबर सिक्स फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज मोर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा वर्थ फंक्शन को ही एनर्जी बोला ठीक है वो भी जूल में रहता है या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहता है यूनिट की बात हम न्यूमरिकल में करेंगे ठीक है इज यूज बाय द इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस एंड रिमेनिंग एनर्जी ऑफ फोटोन बिकम द कानेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैसे फोटोन एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस कानेटिक एनर्जी मैक्सिमम ठीक है इसी को फाइन बोला जाता है सो फोटोन एनर्जी क्या हुआ बच्चों देखो तो फोटोन एनर्जी क्या हुई यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई किसके द्वारा इलेक्ट्रॉन के द्वारा तो उसने यूज किया बाहर निकलने में और बाकी एनर्जी उसने कानेटिक एनर्जी के फॉर्म में यूज़ कर लिया सो so, ये सपोज ये कितना है दस तो इसने क्या यूज किया यहाँ पे ये टू और यहां पे कितना यूज किया एट सो दस जूल किसके फॉर्म में आ गई दो जूल के फॉर्म में और एट जूल के फॉर्म में कुल मिला के न्यूमेरिकल तो जूल हो गया ये एट जूल, जूल बोले तो ये कौन सी एनर्जी है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू एस्केप मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड एज अ वर्क डेफिनेशन पिछले साल एग्जाम में आई हुई है ठीक है सो so, यहाँ पे पूरी यही कहानी हो रही है ठीक है तो चलते आगे बढ़ेंगे डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन साइड द मेटल एंड अदर प्रोसेस लाइक कोलेजन आफ्टर इमिशन फ्रॉम द सर्फेस द मैक्सिमम कानेटिक एनर्जीवल टू क्या होगी मैक्सिमम कानिक एनर्जी ये फॉर्मूला है इस फॉर्मुले को हम देखेंगे इक्वल e टू क्या हो जाएगा बच्चों फाइन ऑट वर्क फंक्शन प्लस कानीटिक एनर्जी मैक्सिमम तो सिंपल सी बात है कानटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होगी यहाँ पे यह है बाकी इधर चला गया फोटोन एनर्जी हमेशा बड़ा होता है वर्क फंक्शन मिनिमम होता है छोटा होता है तो फॉर्मूला तो यही बनना है इसका फोटोन एनर्जी क्या होती है एच न्यू या तो एस सी लैमडा ठीक है बच्चों सो so ये था इसका फॉर्मूले का डेरिवेशन इज नोन एज आप इसी को क्या बोलते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑफ कानेटिक एनर्जी विच इज डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द इमीटर प्लेट एंड वेर इज लीनियरली विद द इंसिडेंट इंस्टेंट तो जितनी ज़्यादा लाइट आएगी उतना ज़्यादा करंट बनेगा इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा निकलेगा तो ये काफ़ी थेरी है बच्चों आप इसको खुद से पढ़ने की कोशिश जरूर करें ठीक है पॉइंट नंबर सेवन काफ़ी थेरोटिकल है काफ़ी बड़ा है अगर आप इसको खुद से रीड करें और समझ लें तो काफ़ी अच्छा होगा ठीक है बट फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ द इलेक्ट्रॉन दैट आर इमिटेड फ्रॉम द मेटल सर्फेस डिफरेंट कानेटिक एनर्जी ठीक है तो अगर मेटल है सपोज ये मेटल सर्फेस है ये आपका इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन थ्री इलेक्ट्रॉन फोर हर इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगी सपोज इसके पास ज्यादा एनर्जी है कानटिक एनर्जी में कलर चेंज कर देता हूँ सपोज इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या कानेटिक एनर्जी ज्यादा है इसके पास थोड़ी सी कम है इसके पास बहुत ज्यादा कानेटिक एनर्जी है और इसके पास सबसे ज्यादा कानटिक एनर्जी है तो कौन पहले पहुंचेगा ये आपका क्या है मेटल है ठीक है मेटल सरफेस किसका लेते सेजियम ठीक है ये सेजियम का है ओके तो सेजियम मेटल सरफेस है इसको कोटिंग की जाती है फोटो मटेरियल से मैंने आपको बताया था रूबी मंगेश नकली सीडी से सावधान कौन सी जिंकी ठीक है तो ये क्या है फोटोसेंसिटिव मटेरियल्स है सो so, ये क्या है आपका एक प्रकार सा बोल सकते हैं इसको बोलते इमीटर जो कि फोटो मटेरियल से कोटिंग किया जाता है इमीटर ठीक है और ये क्या है आपका कलेक्टर है सो so, मैं कलेक्टर को कलर चेंज कर देता हूं ठीक है सो so, ये क्या है आपका कलेक्टर है इमीटर क्या है माइनस है और कलेक्टर क्या है प्लस है ये आप स्पेलिंग बराबर देख लेंगे सो so, सबसे पहले कौन आएगा ये फोर आएगा क्योंकि इसकी कानीटिक एनर्जी ज्यादा है तो सबसे पहले कौन कलेक्ट होगा ई फोर कलेक्ट होगा तो इस तरीके से दिया है द रीजन फॉर दिज आर मेनी फोल्ड ऑल द इलेक्ट्रॉन इन अ सॉलिड डू नॉट प्रजेस द सेम एनर्जी इलेक्ट्रॉन में बी इजेक्टेड फ्रॉम वेरिंग डेफ इन साइड द मेटल सरफेस तो क्या था E4 फोर क्या था यहीं पर था तो जल्दी बाहर निकल गया बहुत स्पीड से निकल गया ई uh, वन मान लो यहां पर था और ई टू मान लो यहां पर था तो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन थे तो जो पहले ऊपर था वो जल्दी निकल गया ठीक है उसकी एनर्जी भी क्या थी कॉनेटिक एनर्जी ज्यादा थी सो so, डिपेंड करता है वो मेटल के कितने अंदर में है डिपेंड करता है उसकी डेफ्थ पर इलेक्ट्रॉन में कोलिजन बिफोर दे कम आउट ऑफ़ द मेटल सरफेस एंड मे लॉस देयर कानीटिक एनर्जी ठीक है इफ वी इज द पोटेंशियल अब यहां से कहानी बदल रही है बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा अब वी क्या है इज द पोटेंशियल मैं कॉनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ कानेटिक एनर्जी का फॉर्मुला ए वी होता है और कानेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये भी होता है हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम अब यहां पे वी नॉट लगता है तो वो कहानी अलग है ठीक है स्टॉपिंग पोटेंशियल नाम बनता है फिर इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल एन इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए अब इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट के पास जा रहे हैं तो उनको रोकना भी तो है कभी ना कभी एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद उनको रोकना पड़ेगा ठीक है अब हम उसकी बात नहीं करेंगे न्यूमेरिकल में देखेंगे इफ वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इमीटर एंड कलेक्टर प्लेट एंड द कलेक्टर इज एट अ लोअर पोटेंशियल अब कलेक्टर क्या है लोअर पोटेंशियल में है ठीक है यह बात ध्यान में रखिए पहले क्या था कलेक्टर पोटेंशियल क्या था प्लस 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 काफी सारे प्लस में थे हायर पोटेंशियल था तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कलेक्ट कर रहा था अब क्या है कलेक्टर के पास लोअर पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रॉन कम कलेक्ट करेगा ठीक है कलेक्टर इज एट अ लोअर पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन लूज इट्स कानटिक एनर्जी क्यों अरे पोटेंशियल ही कम है बच्चों तो कानूटिक एनर्जी कम रहेगी ये ज्यादा रहेगा तो कानिक एनर्जी ज्यादा रहेगी पोटेंशियल कम है ना तो कानिक एनर्जी तो तो भी कम है सो इलेक्ट्रॉन विज लूज इट्स कानेटिक एनर्जी इन ओवरकमिंग द रिटार्डिंग फोर्स इफ द कानेटिक एनर्जी इज नॉट सफिशियंट द इमेडिएट इलेक्ट्रॉन में नॉट रीच द कलेक्टर एंड द करंट विल बी जीरो ठीक है सो so, इसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं जो करंट को क्या कर दे जीरो और इलेक्ट्रॉन को ना पहुंचने दे इफ कनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज द एनर्जी ऑफ द मोस्ट इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन एट द इमीटर सरफेस वेयर इट्स पोटेंशियल एनर्जी जीरो एंड माइनस वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल सो इसके बारे में मैं आपको बता रहा था बी नॉट कब आएगा जब वो कलेक्टर का पोटेंशियल क्या कर देगा निगेटिव में करेगा सो so, इसका नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल then this electron will fail to reach the collector if kinetic energy is less than ev not where is a electron of the charge theek hai kitna hota hai bachcho e electron charge kitna hota hai 1.6 tends to power minus 19 coulomb and ev not is the energy needed for the electron to overcome the retarding potential v not so, तो बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कानेटिक एनर्जी क्या हो गई आपकी जो मैक्सिमम थी वो क्या हो गई कम हो गई किससे स्टॉपिंग पोटेंशियल से तो क्या होगा रिटार्डिंग पोटेंशियल होगा बोले तो इलेक्ट्रॉन कलेक्टर के पास नहीं पहुंच पाएंगे और धीरे धीरे करके करंट जीरो बन जाएगा ठीक है इफ द इलेक्ट्रॉन जस्ट फेल्स टू रीच द कलेक्टर दैट इज इट हैज लॉस्ट ऑल कानेटिक एनर्जी जस्ट एट द कलेक्टर दे आर फॉर द कानेटिक एनर्जी इक्वल टू ई वी नॉट एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो सो ये पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं इसी के बारे में हम देख रहे थे देन This explains that the stopping potential depends on the incident frequency and material of the emitter and does not depend on the intensity. So ये है आपका एम सिक्यूज सो इतना सारा पढ़ना नहीं है जो काम की चीज़ें उन्हें पढ़ना है ठीक है सो so, ये काम की चीज़ थी आप इसको हाईलाइट करेंगे ओके okay बच्चों और आज का लास्ट पॉइंट है ये ठीक है इसके बाद का थोड़ा सा न्यूमेरिकल पॉइंट है फिलहाल आठवां पॉइंट हम देखेंगे इफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन हैव कॉनेटिक एनर्जी मोर देन ईवी नॉट अगर ये कंडीशन चेंज होती है तो ठीक है इफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन हैव कानिक एनर्जी मोर देन ईवी नॉट इलेक्ट्रॉन कैन रीच द कलेक्टर प्लेट सो अब क्या है एनर्जी क्या है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की क्या है ज्यादा है ईवी नॉट से देन दे रिच दे मतलब कौन इलेक्ट्रॉन रिच द कलेक्टर प्लेट कलेक्टर प्लेट इलेक्ट्रॉन रिज द कलेक्टर प्लेट एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट फोटो इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म ठीक है सो ये कंडीशन पिछले वाले की क्या है उल्टी है पिछले वाले में करंट जीरो बन रहा था अब करंट बनेगा क्योंकि कानटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है ठीक है ओके बच्चों सो वैन द कानेटिक एनर्जी अब यहाँ से देखेंगे अभी इतना पार्ट पढ़ लिया हमने कलर चेंज कर दिया जाए ओके वैन अब यहाँ पे करंट फ्लो हुआ अब हम उल्टी बात करेंगे वैन कानटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस ज लेस और इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल ठीक है नो करंट विल फ्लो पिछले वाली कंडीशन नो करंट विल फ्लो क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहे कहां तक कलेक्टर प्लेट था एंड फोटो करंट विल बिकम जीरो वेन कान्टिक एनर्जी वी नॉट यूजिंग द ये ठीक है वी कैन राइट इक्वेशन एट दिस पिछला इक्वेशन ठीक है वही वाला इक्वेशन है एनर्जी मैक्स वैल्यू ली है कुछ नहीं है एंड द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन डिपेंड्स ऑन स्ट्रेट लाइन भी एमसीक्यू एंड डिपेंड्स ऑन द कॉन्स्टेंट एच ई वाइल इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन डिपेंड्स ऑन द मटेरियल थ्रू फाइ नॉट तो ये सब नहीं पढ़ना है आपने नहीं भी पढ़ा तो चलेगा ये फॉर है ग्राफ के लिए सो आपने ग्राफ ऑलरेडी पढ़ के रखा है ठीक है so सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन द मटेरियल मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता है कानीटिक एनर्जी ठीक है ऑफ द मीटर बट इंटरसेप्ट आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल सो डिफरेंट मटेरियल के लिए क्या होगा डिफरेंट कानीटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगी ठीक है बच्चों सो नाइन्थ पॉइंट भी देख लेंगे ऑल द अबो ऑरगोमेंट दस ब्रिंग आउट द फैक्ट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी थ्रू द नंबर ऑफ फोटो ठीक है सो so, जितनी ज्यादा लाइट शॉर्टकट याद रखो कैसा जितनी ज्यादा लाइट उतना ज्यादा करंट जितनी ज्यादा लाइट उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ठीक है तो उतना ज्यादा करंट बनेगा जितनी ज्यादा लाइट उतना ज्यादा करंट डायरेक्ट याद रखो थे इस तरीका ओके बच्चों सो फोटो करंट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ठीक है इंसिडेंट इंटेंसिटी थ्रू द नंबर ऑफ इमेटेड फोटो इलेक्ट्रॉन एंड द पोटेंशियल फी ऑफ द कलेक्टर बट नॉट ऑन द फ्रीक्वेंसी एज लॉन्ग एज वी न्यू इज ग्रेटर दैन न्यू नॉट सो कुल बोलने का मतलब ये कि ये सब क्या है आपका एम सी क्यूज और वन मार्क क्वेश्चन जो आपको पूछ सकता है सो so, ये हम कई सारे न्यूमेरिकल करेंगे वहां से ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बट फिर भी आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे दस ऑल द ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू द एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेयर एक्सप्लेन बाय आइंस्टाइन हाइपोथेसिज ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ फोटोन और ट्रीटिंग लाइट एज अ बंडल ऑफ पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी सो ये एमसी क्यूज है बच्चों क्या है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन लाइट क्या होती है लाइट इज अ फोटोन और बंडल ऑफ पैकेट ठीक है और ये प्लैंक्स ने भी बताया था ऑल्सो प्लैंक्स ठीक है प्लैंक्स ने भी यही बताया था सो गिव द ऑल्सो आइंसटा गेव इट वॉज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड बाय द साइंटिस्ट कम्युनिटी अब ये फालतू की चीजें यहां पे है आप इसको ध्यान में नहीं रखेंगे वेन मिलिकन मिजर द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड द वैल्यू ऑफ एच ठीक है कैलकुलेटेड फ्रॉम दैट इक्वेशन विद द वैल्यू गिवन बाय द प्लैंक्स

इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस एनर्जी मैक्सिमम सो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे आगे जाके हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं ओके अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन अब ये इंपॉर्टेंट है हमारे काम की चीज है सो so डायरेक्ट हम काम की चीज पढ़ रहे हैं ठीक है ओके सो कलर चेंज चेंज ओके सो देखते हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एनर्जी ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू कम्स इन अ बंडल विथ मैग्ट्यूड एच न्यू सो अकॉर्डिंग टू आइंसटाइन एनर्जी क्या होती है एच न्यू दस एनर्जी ऑफ लाइट बीम ऑफ हैविंग एन नंबर ऑफ फोटो एन एच न्यू तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं सो एक बार रिपीट करने में कोई बुराई नहीं एन ठीक है वेर एन कैन टेक ओनली इंटीग्रियल वैल्यू इट इज इज इट वैन पॉसिबल टू वैर इट द इंसिडेंट एनर्जी कंटिन्यूअसली वाई वी डू नॉट सी इंडिविजुअल फोटोन टू अंडरस्टैंड दिस लेटस्ट कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल सो एग्ज़ाम्पल कुल मिला के न्यूमेरिकल है जो कि आपको खुद से सॉल्व करना है क्योंकि आज हम न्यूमेरिकल नहीं पढ़ने वाले हैं बाकी का करेंगे नेक्स्ट टाइम ठीक है तो आज के लिए आई थिंक काफ़ी हमने पढ़ लिया है सो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे सारे फॉर्मूले कवर करेंगे फॉर्मूले जितने भी आपके इस टॉपिक से हैं कुल मिला के एक ही फॉर्मूला है उसी को हम बड़ा करने वाले हैं सो so, फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम थैंक यू